हेलो एवरीवन, वेलकम टू लक्ष्य एयरफोर्स। तो आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं कल से, तो अब मैं आपको बिल्कुल वही क्वेश्चंस कराऊंगा जो 100% जिनकी प्रोबेबिलिटी है आने की, ठीक है। तो जल्दी जल्दी देखते हैं क्वेश्चंस। हाइड्रोजन की लाइमन, एक देखो लाइमन श्रेणी होती है, एक बामर होती है और एक पाश्चन होती है। तीनों श्रेणियों से क्वेश्चंस बन ही जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि जो लाइमन श्रेणी होती है वो आपकी पराबैंगनी किरणों के, पराबैंगनी क्षेत्र के लिए होती है, ठीक है। और जो आपकी बामर होती है, पिछली बार भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, जिसने पिछली बार को पेपर दिया होगा उनको पता होगा, इन तीनों श्रेणियों से क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। और जो बामर होती है वो दृश्य प्रकाश के भाग में होती है, ठीक है। अब क्वेश्चन है, हाइड्रोजन की कौन सी श्रेणी दृश्य क्षेत्र में पाई जाती है? तो यही सबसे इंपॉर्टेंट है, जो दृश्य वाली है, जो बामर है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो पाश्चन श्रेणी है वो अवरक्त क्षेत्र में होती है, ठीक है। इन तीनों को आपको याद रखना है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। लाइमन श्रेणी पराबैंगनी, बामर श्रेणी दृश्य प्रकाश, और पाश्चन श्रेणी अवरक्त, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराते हैं आपको, ध्यान से देखना है। देखो एक कुंडली का लूप का एक क्वेश्चन बनता है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन बहुत रामबाण क्वेश्चन है, ये तो हर बार रखा हुआ मिलता ही है। एल्थ, पता नहीं एयरफोर्स को इससे क्या है, इतना लगाव है कि ये क्वेश्चंस वो बिना रखे रह ही नहीं पाता। एल तथा आर प्रेरकत्व और प्रतिरोध को व्यक्त करते हैं, तो एल तथा आर की बीमा क्या होती है? जो टी की बीमा होती है वही प्रेरकत्व और प्रतिरोध की बीमा होती है। अब प्रेरकत्व का मात्रक वैसे तो आपको पता होगा हेनरी होता है, ठीक है, लेकिन प्रतिरोध के पदों में क्या होगा? अब यहाँ से आप यहाँ से रिलेट करो, इस वाले क्वेश्चन से इसमें रिलेट करो कि अगर प्रेरकत्व है और प्रेरकत्व का मतलब होता है कि ओम, यानी कि ओम से अगर उसे प्रतिरोध से भाग देते हैं तो समय बचता है, यानी कि प्रतिरोध में समय का गुणा कर दें, और अगर इसी में प्रतिरोध से भाग ओम का भाग देंगे तभी तो सेकंड बचेगा। तो ओम सेकंड, वैसे तो हेनरी होता है सबको पता होता है, लेकिन ऐसे प्रेरकत्व का मात्रक होता है ओम सेकंड, ठीक है। अब बीमाएँ मैंने कराई हैं, उसमें मैंने प्रेरकत्व की बीमा कराई है, तो बहुत पूछी जाती है प्रेरकत्व की बीमा, ठीक है, वो भी आप कर लेना। और देखते हैं क्वेश्चंस नेक्स्ट है, यहाँ से देखते हैं। देखो ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट, 600 फेरों वाली एक चालक कुंडली का स्वप्रेरकत्व 180 मिली हेनरी है, इसी प्रकार की दूसरी 500 फेरों वाली कुंडली का स्वप्रेरकत्व कैसा होगा? अगर स्वप्रेरकत्व वाले चैप्टर से क्वेश्चंस बनना है न्यूमेरिकल, तो इस तरह से या हाफ एल आई स्क्वायर पे बनेगा, वो मैं अभी करा रहा हूँ। तो पहले ये टाइप समझते हैं, आपको याद रखना है प्रेरकत्व के लिए जो स्वप्रेरकत्व एल होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एन स्क्वायर के, यानी कि उसके फेरों की संख्या के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये आपको रिलेशन याद रखना है, बस यही रिलेशन लगा दो। फेरों की संख्या पहले 600 है और इतना प्रेरकत्व है, दोबारा फेरे इतने हैं तो प्रेरकत्व पूछा गया, तो 600 बटे 500 का स्क्वायर, फेरों का स्क्वायर कर दो, इक्वल टू 108 बटे इसका एक्स मान लो, तो जीरो से जीरो कट गया, ये 36 हो जाएगा, ऊपर नीचे 25 हो जाएगा। अगर 36 की वैल्यू 108 है तो 36 तिया 108 होता है, तो 5 चीस तिया 75 हो जाएगा, 75 फेरे। तो इस तरह से याद रखना है, नहीं समझ में आया एक बार और देख लो, n1 का स्क्वायर बटे n2 का स्क्वायर इज इक्वल टू l1 बटे l2। अब इसका जीरो से जीरो कट जाएंगे, छिक्का 36 ऊपर बचेगा, नीचे 25 बचेगा, और इधर 108 है तो इसकी x की वैल्यू निकालनी है। तो अगर ये 36 का तीन गुना है तो ये 25 का तीन गुना 75 इसका आंसर आ जाएगा। ये भी आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है, बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस कॉन्सेप्ट पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो कुंडलियों का अन्योन प्रेरकत्व गुणांक किस पर निर्भर करता है? तो ये केवल उनके रेजिस्टेंस यानी कि उनके प्रतिरोधों पर निर्भर करता है। केवल किस पर निर्भर करता है? उनके प्रतिरोधों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखना। जब कुंडली में धारा इतने सेकंड में इतने एम्पियर से इतने एम्पियर तक परिवर्तित होती है तो कुंडली 2 वोल्ट विद्युत वाहक पर प्रेरित करती है, कुंडली का स्वप्रेरकत्व तो पूछा गया है, ठीक है। जब आपको धारा का चेंजमेंट दिया जाए, समय का डेल्टा टी और डेल्टा आई दिया जाए, और वोल्ट यानी कि ई दिया जाए, और प्रेरकत्व पूछा जाए, एक फॉर्मूला याद कर लो, एल इज इक्वल टू ई विद्युत वाहक बल डेल्टा टी बटे डेल्टा आई। इस फॉर्मूले को आप, मैंने दो फॉर्मूले, एक पीछे बताया कॉन्सेप्ट कि जो फेरों की संख्या होती है वो प्रेरकत्व के वर्ग, उनकी वर्ग प्रेरकत्व के अनुक्रमान, और एक ये जो L इज इक्वल टू प्रेरकत्व इज इक्वल टू विद्युत वाहक बल डेल्टा टी बटे डेल्टा आई। ये फॉर्मूला आप याद कर लो, अभी दो क्वेश्चन इसी पे कराएंगे। तो इसमें देखो धारा, कितनी धारा का परिवर्तन हुआ है, ये 3 गुणे 10 की पावर -2, डेल्टा आई की जगह पर ये रख दिया, डेल्टा टी
कितना हुआ डेल्टा टी, सॉरी डेल्टा टी ये समय का, पर अच्छा एक बार फॉर्मूला फिर लिख लेते हैं, एल इज इक्वल टू, अब ये बिकॉज मैं फ़ोन से रिकॉर्डिंग करता हूँ तो उस तरह से नहीं कर पा रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करना, ठीक है। एल इज इक्वल टू ई, ई का मान कितना दिया है 2 वोल्ट, 2 इंटू डेल्टा टी, तो डेल्टा टी कितना है था? इतने सेकंड, 3×10^-2 सेकंड डेल्टा टी बटे डेल्टा आई, धारा 8 से 2 ही है तो 6 का परिवर्तन हुआ है, अब 3×6 से 6 कट गया, तो यानी कि 10^-2 का मतलब 1/100 हेनरी आया, लेकिन आंसर सभी मिली हेनरी में है तो इसमें मिली हेनरी में बदलने के लिए 1000 से गुणा कर देंगे, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कितना आ गया 10 मिली हेनरी। यह आप फॉर्मूला याद कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, मैं लिख दे रहा हूँ फॉर्मूला, एल इज इक्वल टू ई डेल्टा टी बटे डेल्टा आई, इस फॉर्मूले का आप स्क्रीनशॉट ले लो, डायरेक्ट इस फॉर्मूले पे आधारित क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है स्वप्रेरकत्व से, ठीक है। और देखो अब वही क्वेश्चन है, अगर आप लोग समझ गए तो ये आप करिए, क्या है कि चालकता गुणांक दिया गया है इतना, ठीक है, इतना हेनरी, धारा परिवर्तन इतना सेकंड दिया गया है, समय परिवर्तन इतना है और धारा परिवर्तन इतना है, तो विद्युत भाग बल ई पूछा गया है, उसी फॉर्मूले में एल इज इक्वल टू ई डेल्टा टी बटे डेल्टा आई, अब इसमें ई पूछ दिया गया है तो बस पक्षांतर कर दो, एल का मान 0.5 रखोगे, 0.5 बटे, अब ये डेल्टा टी इधर भाग में आ जाएगा यानी कि 0.01 सेकेंड, और इंटू डेल्टा आई का गुणा हो जाएगा 1, तो अब इसे जब सॉल्व करोगे तो 5 0 से 1 यहाँ आया तो 10 आ गया, कितना आ गया, इसे सॉल्व कर लेना आप लोग, तो वो आपका आएगा फ़ोन की स्क्रीन पे, देखो आप समझते हो, मैं फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आप तक सभी पहुँच जाएँ। लेंज का नियम बहुत पूछा जाता है, लेंज का नियम ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित होता है, आपको याद रखना है लेंज का नियम। और जो एक और पूछा जाता है, प्रेरित वैद्युत धारा की दिशा का पता, इसमें सभी बायोसेवर्ट ला लगा देंगे, लेकिन इसने प्रेरित विद्युत धारा की दिशा अगर पूछी जाए तो हमेशा इसका आंसर हो जाएगा लेंज का नियम, क्या हो जाएगा, बायोसेवर्ट मत कर देना, वो धारा का बाएं हाथ का नियम दाएं हाथ का नियम वो अलग चीज़ होती है, धारा की दिशा अगर प्रेरित विद्युत धारा की दिशा की जाए तो हमेशा लेंज का नियम इसका आंसर होता है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन और एक देख लो, ये टाइप बहुत पूछा जाने वाला टाइप, अगर कभी भी तुम्हें फ्लक्स का परिवर्तन दिया जाए ऐसे एक, ठीक है, और समय दिया जाए और धारा का मान पूछा जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले तो डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी, समय के साथ फ्लक्स का परिवर्तन निकालना है, यानी कि इसका अवकलन करोगे तो 6×12t-5 आएगा, मतलब एक बार इसका डिफ्रेंशिएट कर दोगे, ठीक। अब टी का मान रख दो, तो 12 टी का मान 0.25 मतलब 1/4-5, तो 4×12 तो 3×5 गया, माइनस का 2 आया, ये परिवर्तन कितना आया माइनस का 2। अब प्रतिरोध का मान दिया गया है 10 और धारा का मान पूछा गया है, अब V बराबर IR लगाओगे तो V बराबर IR में हमें R भी पता है और V भी पता चल गया, ये विद्युत वाहक बल ही होता है जो फ्लक्स का परिवर्तन होता है, और I का मान आ जाएगा, जब 10 में हम माइनस 2 में भाग देंगे 10 से तो 0.2A आएगा, बस उसका इसके फॉर्मूले में ये मॉड होता है, मॉड तो ये माइनस में नहीं आ सकता, ये मॉड होता है इसके फॉर्मूले में, ठीक है। अब आई होप आपको ये समझ में आ रहे होंगे यार, ठीक है। सबसे पहले अब एक बार इसको फिर से देख लो, डेल्टा फाई निकालोगे, डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी, ये जो आता है ये मॉड में आता है माइनस में नहीं आता, इसका अवकलन करोगे टी का मान इतना रखोगे तो ये 2 आएगा, ठीक, यही हमारा विद्युत भाग बल ई होता है, यही वी होता है। अब वी पता चल गया, आर दिया गया सवाल में 10 ओम, अब वी बराबर आई आर से हम आई नहीं निकाल पाएंगे, निकाल लेंगे ईजिली, तो इस तरह से। और इसमें इंपॉर्टेंट एक और है कॉन्सेप्ट देखो, हाँ यहाँ है वो क्वेश्चन, कहाँ है ये देखते हैं, चुंबकीय क्षेत्र में रखे तार के लूप में गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स किस पे निर्भर करता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ये केवल लूप की आकृति पर निर्भर करता है, किस पर, ये लूप की आकृति पर। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है बेबर, क्या होता है बेबर। अब देखो ये क्वेश्चन तो कर ही लोगे इजिली, डेल्टा आई बटे डेल्टा टी से हो जाएगा, और क्या है इसमें, अब देखो प्रेरकत्व की बीमा जरूर याद रखना, बहुत पूछी जाती है प्रेरकत्व की बीमा, तो आप लोगों अब देखो ये क्वेश्चन उसी तरह से आ गया, अब इसको भी देखो, इससे वो क्लियर हो जाएगा पिछले वाला क्वेश्चन। सबसे पहले इसका अवकलन कर लो, तो टी क्यू है तो 2t² आएगा, तो 5×15t² इसका अवकलन हम एक बार करेंगे, माइनस शॉर्ट इतना आया। अब टी का मान रखो, टी का मान 2 है तो 2 यहाँ पे रखोगे, तो टी का मान 2 रखोगे तो 2^4 होगा, 15×60 माइनस 100 यानी कि 40 आएगा। अब 40 चूंकि ये मॉड में होता है तो -40 उत्तर मत कर देना, प्लस का 40 उत्तर हो जाएगा विद्युत भाग बल। बात समझ में आई, विद्युत भाग बल होता है वो क्या होता है, डेल्टा फाई फ्लक्स का परिवर्तन जो होता है समय के साथ वो होता है, बस वो मॉड में रहता है,
अब हम इसको जब परिवर्तन निकालेंगे, टी का मान 2 रखेंगे तो वो -40 आएगा, और एक ऑप्शन भी -40 दिख रहा है, मजे की बात तो ये। लेकिन आपको -40 ना रख के क्या रखना है, आपको +40 रखना है, ठीक है। तो यार मैं आपका अगर कल जिनका परसों पेपर है ना, तो उनको मैं इतने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कराऊंगा, बस बेल आइकन दबा के रखें। मैं आपके साथ में मेहनत करूंगा और मैं शाम तक हो सकता है आज 4 से 5 वीडियो दूं, और हर मेरे वीडियो आपको 2 नंबर 1 क्वेश्चन की श्योरिटी देंगे। मैं वही क्वेश्चन, मैं 3 बार से एग्जाम दे रहा हूं, मैं वही कराऊंगा जो बहुत पूछा जाता है, ठीक है। और मैं एक आप लोगों को एडवाइस देना चाहूंगा एग्ज़ाम के लिए, कि आप लोग क्या करिए, कि आप लोगों ने अब तक फिजिक्स जहां से पढ़ी, पर जितनी पढ़ी ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन अब मैंने देखो 2 नंबर आपका प्रोबेबिलिटी पूछा जाता है। मैंने प्रोबेबिलिटी के 4 वीडियो बनाए हैं, प्रायिकता के, संचय क्रमचय के 3 वीडियो बनाए हैं, वो कॉन्सेप्ट दिए हैं जिनसे क्वेश्चन पक्का पूछे ही जाते हैं, ठीक है। और फिजिक्स के आप लोग अगर फिजिक्स देखो, बच्चा फेल होता है तो फिजिक्स में ही होता है, ठीक है, वो इंग्लिश कर लेता है, मैथ कर लेता है। तो फिजिक्स के लिए आप लोग से एक एडवाइस है मेरी, ठीक है, रिक्वेस्ट नहीं है, एडवाइस है, कि आप लोग मेरे प्लेलिस्ट में जाके फिजिक्स के मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट, देखो एक मैंने लॉजिक गेट का एक सेपरेट वीडियो बनाया, वो एक वीडियो पक्का क्वेश्चन देगा, एंड गेट और गेट वहाँ से एक पूछा जाना है। मैंने पृष्ठ तनाव से जिस तरह से क्वेश्चंस बन सकते, ये तो मैं अभी क्वेश्चंस कराने लग रहा हूँ, लेकिन इससे इनिशियल स्टेज पे मैंने सभी सेपरेट वीडियोस के लेक्चर दे दिए आपको, तो आप उतना करके पक्का जाइए, 1 दिन का समय है, आप लोग आराम से इजिली कर सकते हैं उतना, ठीक है। डेटा आपके में रहता ही है 1 MB, तो आप फिजिक्स में उतना करिए, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। और जब तक आपका एग्जाम है तब तक मैं आपको वीडियोज़ देता रहूँगा, ठीक है, थैंक यू।